अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे एकदम बढ़िया वाली इंस्टेंट रबड़ी, जो कि सर्व करेंगे हम मटका कुल्फी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सो मज़ेदार रबड़ी और इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, और ये मेरा दूध जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था, तब मैंने इसे धीमा कर लिया है। तो अब धीमा होने के बाद में हमें क्या करना है, इसके ऊपर की जो भी मलाई है ना, वो हमें इसे साइड में लगाते जाना है। जो भी मलाई आती जाएगी हमें इसे साइड में लगाना है। और ये इंस्टेंट वाली है तो मैं इसे इसलिए थोड़ा सा पका रही हूँ ताकि थोड़ा इसमें कलर चेंज हो जाए इसका, और मीन्स जो दूध का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये इंस्टेंट रबड़ी मैं आपको बता रही हूँ, तो बस इसे हम थोड़ा और पकाएंगे। सो तब तक वहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो रहा है, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप दूध, जो मैंने वही 1 लीटर में से निकाल लिया था। और यहाँ पे मेरे पास कुछ ये 100 ग्राम यानी 1/2 कप मेरे पास मिल्क पाउडर है, वो हम इसी में मिक्स करेंगे और इसका एक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और फिर इसे हमें दूध में डालना है, क्योंकि अगर दूध में हम ऐसे ही डाल देंगे तो वो लम्स क्रिएट हो जाएंगे उसमें। तो पहले हम यहाँ पे थोड़े से दूध में इसे घोल लेते हैं और फिर इसे हम वहाँ पे हमारे दूध में डालेंगे। तो ये दूध में डालने से और ज़्यादा दूध जो है हमारा क्रीमी सा और अच्छा सा टेक्स्चर बनेगा, और हमारी रबड़ी को भी एक बहुत ही अच्छा लेवल का टेस्ट मिलेगा। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी। मिल्क पाउडर को मैंने अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है, और यहाँ हमारा दूध भी अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसे भी मैं, ये जो मलाई है इसे थोड़ा मैं इसे साइड में कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हम डालेंगे इसे बीच में, और बीच में मिला डालते हुए अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। सो एक बार और मिक्स करेंगे और फिर इसे हम डालेंगे हमारे दूध में। फटाक से डालो और फटाक से इसे मिक्स कर लो। इसे भी हम 2-4 मिनट तक पकाएंगे और मलाई को जो है सारी पीछे करते जाएंगे, मतलब इसे हम साइडों में लगाते जाएंगे। बस 2-4 मिनट और करेंगे, 2-4 बार इसे ऐसा। सो देखिए लास्ट टाइम हम इसे हटा रहे हैं, बस 4 से 5 बार ही ये करना है हमें। और अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड, 3 ब्रेड है, 3 ब्रेड के स्लाइस है, इसे मैंने टुकड़े कर लिया। अब मैं इसे मिक्सी में इसे पीस लूँगी, तो चलिए इसे पीसते हैं। सो देखिए ये मैंने मिक्सर में अच्छे से इसे पीस लिया है, और अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए, और इसे हम डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे मिक्स करते जाएंगे। सो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम ब्रेड डालेंगे तो ब्रेड की स्मेल वगैरह आएगी, कुछ नहीं आएगी ब्रेड की स्मेल, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि ये आपने इंस्टेंट रबड़ी बनाई है वो भी ब्रेड के साथ में, क्योंकि मैंने बहुत बार इसे ट्राई किया है। और ये गुलाब जामुन रबड़ी और मतलब कुल्फी उल्फी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रबड़ी विद कुल्फी, ना कुल्फी तो हम खरीदेंगे। और ये जो हमारा जो साइडों में जो लगा है इसे हम स्क्रैच कर लेंगे। अब ये मलाई को हम स्क्रैच करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये नॉनस्टिक का पैन मैंने लिया था ना, इसके लिए ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए ये आसानी से हमारा ये जो है ना यहाँ से ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसे बस निकालते जाना है और इसे लगातार कंटिन्यू चलाते जाना है, क्योंकि हमने अभी इसमें ब्रेड डाला है ना तो चलने के भी चांसेस होते हैं। तो इसे बस आप चलाइए और थोड़ा सा ये अभी थिकनेस आ जाएगा, ये मतलब 2-3 मिनट में ही ये अपना जो दूध जो है ना थिक होने लगेगा ब्रेड की वजह से। तो देखिए दूध हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, और इसी पॉइंट पे हम 2 चम्मच शक्कर डालेंगे इसी में, और शक्कर डाल के भी इसे अच्छे से हम मिक्स करके पका लेंगे। जब तक हमारा यहाँ दूध गाढ़ा हो रहा है, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच और शक्कर लिया है, इसे हम कैरमलाइज करेंगे। क्योंकि ये हमारी इंस्टेंट रबड़ी है तो इसे कलर देना होगा, तो कलर देने के लिए हम क्या करेंगे इसे कैरमलाइज करेंगे। थोड़ा सा शक्कर मैंने फैला लिया है और 1-2 ड्रॉप मैं इसमें पानी डालूंगी, बस 1-2 कतरे हम पानी डालेंगे और इसे कैरमलाइज होने धीमे आंच पे मैंने रख दिया है। तो देखिए हमारी शक्कर जो है कैरमलाइज होने लग गई है, और मैंने गैस का चूल्हा बंद कर लिया है क्योंकि ये इसी में जो रही कसर कसर है जो हमारी शक्कर की वो घुल जाएगी। और बेसिकली हमें इसका कलर चाहिए था हमें, तो कलर तो आ गया है, तो अभी हम इसे हम इसमें हमारे इसमें पॉर कर देंगे।
तो देखिए रबड़ी का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है हमारे पास और रबड़ी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और बस यही पॉइंट पे हमें अपना गैस बंद कर देना है। मैं गैस बंद कर लेती हूँ क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी बस अभी हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है और फिर इसे हम गार्निश करेंगे। तो देखिए हमारी रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद में देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है ये। मतलब इतनी ही चाहिए था हमें क्योंकि उससे ज़्यादा हमें और नहीं पकाना था क्योंकि ये ठंडी के होने के बाद में गाढ़ी होगी। जैसे मैंने आपसे कहा था ये एकदम अच्छी इसे गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बॉल में और फिर इसे हम फ्रिज में रखेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा यानी जब तक कि ये ठंडी ना हो जाए। फिर इसको हम अच्छे से गार्निश करेंगे और फिर सर्व करेंगे ठंडी ठंडी कुल्फी के साथ। तो देखिए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है हमारी रबड़ी को फ्रिज में रख के और देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है ये देखिए इसका टेक्सचर और उसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया। मैंने इसे गार्निश किया है ड्राई फ्रूट से, आप चाहे तो पिस्ता, चाहे आप अखरोट, किसी से भी कर लीजिए। ये रखिए कितनी अच्छी इंस्टेंट रबड़ी बनके तैयार हुई है और अब हम बनाएंगे यहाँ पे रबड़ी कुल्फी। तो ये रबड़ी हम इंस्टेंट रबड़ी को हम हमारे ये देखिए मेरे पास यहाँ पे छोटे छोटे से कुल्हड़ हैं और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आजकल तो ये डी मार्ट में भी मिलने लगे हैं और ये तो कोई भी दे देता है चाय वाय पे, तो आप इसे घर पर बुला सकते हैं। सो हम लोग सबसे पहले इसमें डालेंगे हमारी रबड़ी और फिर यहाँ पे मेरे पास देखिए कुल्फी है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी आसानी से। सो इसे भी हम इसमें डालेंगे। तो देखिए तैयार है हमारा रबड़ी कुल्फी मटकी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी अच्छी लिख रही है, ये देखिए हमने इसमें डाला है। ये देखिए आप चाहे तो इसे रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, इसमें जेली भी डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं और चाहे तो कुल्फ़ी के ऊपर और थोड़ी सी रबड़ी अगर डाल देंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए तो ये बन गई हमारी मटका कुल्फी विथ रबड़ी। तो ज़रूर इसे बनाइए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।